सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम फिर से आ चुके हैं प्रो कस्टम्स कार पे। टुडे वी हैव द ह्यूंडई वर्ना, जिसके अंदर जो गाइस हम पूरे तरीके से कस्टमाइजेशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपको मैं दिखाऊं, जो भाई फ्रंट की हेडलाइट्स पे अगर आप देखोगे, एक बार भेज कैमरे को, अगर आप देखोगे फ्रंट की हेडलाइट्स के अंदर, तो भाई जो इसके अंदर हमें कस्टमाइजेशन करी है वो आपको भाई कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमने ऑटो की है, यहाँ पे आफ्टर मार्केट के प्रोजेक्टर इंस्टॉल करे हैं, जिसके साथ में भाई हम अपनी डीएनएल्स को भी इंस्टॉल करने वाले, तो वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। साथ में एक बार पूरा कस्टमाइज करने वाले हैं इसको। फ्रंट पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो आरएस ग्रिल इसके अंदर हमने इंस्टॉल करी है, इसके साथ भाई यहाँ पे हमारी एलईडी डिफ्यूज़र मिलेगा, तो ये भी इसके अंदर हमने इंस्टॉल करी है, ये आप देखोगे। बाकी कार के अंदर अभी हम इसके साइड में हमारे स्प्लिटर्स को भी इंस्टॉल करने वाले हैं, तो एक बार आपको मैं ये भी ऑन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका रिस्पॉन्स आने। सो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, इसको अभी हमने ऑन कर दिया है, एंड इनका जो लाइट का रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा। एक बार भी हाई बीम लॉगिंग करना, या देखोगे इसके पीछे एक क्लिपिंग होती है, इसके पीछे क्लिपिंग होती है, जैसे आप हाई बीम पे करोगे इसी क्लिपिंग जो है यहाँ पे हमको एक बार डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो या देखोगे ये अपनी जो है डिफर करती है हर बारी, चाहे हम लो बीम एंड हाई बीम पे करें। बाकी जैसे एक बार इसकी लेवलिंग कम्प्लीट होती है, इसके अंदर ऊपर का हम सिलिकॉन भी यहाँ पे अच्छे से लगा देंगे विद हमारी हॉट एयर गन। तो ये हमारी भाई फ्रंट से हो गई। सो गाइस, अभी जो है यहाँ पे जो हेडलैम्प्स है उसका काम यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुका है, एंड मैं आपको दिखाता हूँ भाई इस साइड जो है हमने हमारी डीएनएल इंस्टॉल करी है पूरी, जो कि आपको मैं भाई नाइट में इसका रिस्पॉन्स जो है चेकआउट कराऊंगा। अंदर के साइड अगर आप देखते हो तो ऑटो की प्रोजेक्टर है, जैसा आपने हमारे वीडियो में पहले उसकी इंस्टॉलेशन चेकआउट करी थी, इसके आसपास भाई हमने हमारी डीमर नहीं लगाई है, जो कि हमारी फ़ोन कंट्रोल होती है। एंड भाई नाइट में आपको मैं इसका रिस्पॉन्स दिखाने वाला हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त मॉडिफिकेशन है जो कि आप भी अपनी कार के अंदर करवा सकते हो। एंड एडिशनल में गाइस हमने जो काम करा है इस कार के अंदर, तो जो गाइस हमारे प्रोजेक्टर आते रहे फॉग लैम्प्स के अंदर, उनको यहाँ पे हमने भाई फुली तरीके से यहाँ पे रिप्लेस करा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे ओल्ड वाले प्रोजेक्टर्स, जो कि भाई हमारे 1.5 इंचेस के आते रहे, ये वाले गाइस इसके अंदर जो स्टॉक लगे हुए थे, एंड इनको गाइस हमने रिप्लेस करा है हमारे इन वाले प्रोजेक्टर से, जो कि गाइस हमारे ट्रैक कलर होते हैं, तो ये अभी हमने इंस्टॉल कर दिए हमारे। एंड देखोगे आप जो फॉग लैम्प की इनकी फिनिशिंग आ रही है, एंड जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी प्रॉपर आने वाली है, तो बिल्कुल आपको भाई स्पेसिंग नहीं देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छे तरीके से भाई ये भी इंस्टॉल हो चुकी है। एंड इसके अंदर भाई 3 कलर ऑफ लाइटिंग हमको देखने को मिलेगी, एंड ये देखते हो इसके बाद हम भाई कार के अंदर इंस्टॉल करें हमारे स्प्लिटर किट, जो कि हमारे फ्रंट का लगने वाला है, साइड का भी पूरा लगेगा। इस साइड से भी आप देखोगे भाई जो प्रोजेक्टर की फिनिश है वो कितनी प्रॉपर आ रही है। बाकी भैया अभी यार जो फ्रंट के जो स्प्लिटर होते हैं उसकी पार्ट्स लगा रहे हैं, ये हो गए हमारे, ऐसे पार्ट लगेंगे दोनों साइड में, एंड बीच में अलग पार्ट लगेगा, साथ में साइडिंग में भाई पूरी स्कर्टिंग इसकी प्रॉपर आने वाली है, जो कि यहाँ से लेके पूरा एंड तक जाएगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद भाई हम चलेंगे इंटीरियर में, इंटीरियर में दिखाता हूँ क्या क्या काम करा है। इंटीरियर में अगर आपको मैं छोटा सा गाइस ग्लिम्स दूँ, तो इसके अंदर हमने हमारी एमएस लाइटिंग इंस्टॉल करी है गाड़ी की, साथ में रूफ लाइटिंग भी लगाई है भाई इसके अंदर हमने, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो रूफ लाइटिंग दिखाई है, ये चीज़ें भाई आपको मैं प्रॉपर नाइट में दिखाऊंगा, जिससे जो है आपको अच्छे से पता लग जाए कि कार के अंदर हमने क्या क्या एक्सेसरीज इंस्टॉल करी है। सारा काम है प्रो कस्टम कार पे, शॉप की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी स्क्रीन पे भी गाइस आपको जो है उनके डिटेल्स फ्लैश हो रही होंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। रूफ भी गाइस इसके अंदर हमने ब्लैक करी थी, तो ये काम जो था उस दिन हुआ था जब जो आपने पहले की वीडियो देखी थी, ये है इसका सेकंड पार्ट, जो कि गाइस मैं एक ही वीडियो में डालने वाला हूँ जिससे आपको कन्वीनियंस हो। तो उस दिन गाइस काम नहीं हो पाया था कंप्लीट नाइट में, तो इसीलिए गाइस जो है कस्टमर आ जाए, एंड आज हम जो है उनकी कार के अंदर पूरा काम एकदम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बाकी वीडियो में आगे जो है अपडेट करता हूँ। सो अभी जो है गाइस फाइनली कार का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बस यहाँ पे जो साइड के स्प्लिटर है उनकी इंस्टॉलेशन बाकी है, वो अभी जो है भैया यहाँ पे कर रहे हैं। तो भैया इसमें और थोड़ी कितनी देर लगेगी? 10-15 मिनट में, 10-15 मिनट में गाइस पूरा काम एकदम फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फ्रंट से मैं अगर आपको दिखाऊँ जो स्प्लिटर की लुक आ रही है वो आपको मैं चेक कराता हूँ। आप भाई यहाँ पे देखोगे कार की जो फ्रंट की लुक है भाई वो टोटल यहाँ पे चेंज हो चुकी है स्प्लिटर को इंस्टॉल करने के बाद, एंड काफ़ी स्पोर्टी टाइप लुक आ रही है कार से अगर आप देखते हो। ये आपने देखिए भाई काफ़ी बढ़िया आ रही है कार की लुक, एकदम जो है कंसेप्ट वाइट एंड ब्लैक हो चुका है। एक बार आपको मैं लाइटिंग का रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, साथ में डीएमआई का कंट्रोल दिखाता हूँ, एंड जो प्रोजेक्टर का लाइटिंग का वो भी आपको मैं चेक करा देता हूँ। तो अभी जो है मैं आपको इसकी लाइटिंग एक बार पूरी तरीके से अच्छे से चेक करवाता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे भाई डीएमआई अपनी भाई कुछ इस तरीके से लगेगी, डीएमआई है ये अपनी डीआरएल है, जो कि मैं पूरी तरीके से यहाँ पे अच्छे से फिटेड हो रखी है। अभी आपको मैं इसकी लो बीम एंड हाई बीम दोनों भी चेक कराता हूँ। उससे पहले अगर आप देखोगे हमारे फॉग लाइट से भाई आप यहाँ पे अब देख सकते हो जो फॉग लाइट का थ्रो आ रहा है भाई वो कितना ज़बरदस्त इसके अंदर हमको देखने को मिल जाएगा। एंड भाई देख सकते हो इन मोड देखने को मिलेगा भाई, ये अपना वॉर्म येलो, ये है भाई अपना प्रॉपर वाइट वाला, एंड भाई ये है अपना पूरा येलो। तो ये आप देख सकते हो भाई 3 मोड जिसके अंदर हमको मिल जाएंगे। तो अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह कहीं पर भी जा रहे हो तो ये वाला कलर जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, चाहे नहीं तो आप अगर फॉग में भी चला रहे हो तो ये कलर से जो है काफ़ी बढ़िया होने वाला है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे अपनी आरएस ग्रिल है, ये हमारी लाइटिंग जो है इनको हमने रेड कर दिया है, तो ये आप चेकआउट जो है कर सकते हो पूरे तरीके से। बाकी एक बार मैं आपको इसकी जो है लाइटिंग है थोड़ा चेक कराता हूँ। तो भाई अभी देख लो, अभी कर रहे हैं हम इसको लो बीम पे,
ये होगी भाई हमारे लो बीम पे, देख सकते हो आप, ये अभी ऑफ करी एंड भाई ये अपनी चालू कर दिया है। तो जैसे आपको पता है भाई इसके अंदर हमने HID लगा रखी है, तो HID जो है धीरे धीरे अपना जो है हीटअप होती है एंड धीरे धीरे जो है इसका थ्रो भी इंक्रीज़ हो जाता है। सो एज टाइम जैसे आप ऑन करोगे 4 to 5 सेकेंड्स के अंदर आपकी जो HID है वो पूरी तरीके से भाई यहाँ पे इनेबल हो जाएगी। अभी आप देखो भाई इसके अंदर अभी सिर्फ फॉग लैम्प जल रही है एंड जो DRLs है एंड लो बीम भी अब चल गई है। अगर हम हाई पे करते हैं तो हाई आप देखो तो भाई ये बीम जो है अपनी हाई बीम की होने वाली है एंड ये भाई अपना डिपर पास का ये वाला हो गया। तो डिपर पे आप देखोगे अच्छा थ्रो आ जाता है। अगर हम सिर्फ वो करते हैं तो भाई डिपर थोड़ा सा इसका वीक इसलिए है क्योंकि ये HID है एंड स्टार्ट होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। सो एज अगर आप अपनी लो बीम को भी चलाओगे एंड देन आप अपनी हाई बीम करोगे तो कुछ ऐसा थ्रो आएगा, साथ में लो बीम के साथ में अगर डिपर मारोगे तो जो थ्रो है वो ज़्यादा इसका इंक्रीज इसके अंदर हमको देखने को मिल जाएगा। बाकी एक बार कार बाहर निकलती है तो आपको भाई एकदम रोड पे इसका अच्छा सा मैं रिस्पॉन्स भी चेकआउट करवा दूंगा। बाकी अभी हम चलते हैं इसके इंटीरियर में, इंटीरियर से बात करते हैं कार के अंदर हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन करी है। तो सबसे पहले तो भाई देखोगे इसके अंदर जो है हमने इंस्टॉल करी हमारी गाड़ी की K3 एम्बिएंट सीरीज़ की लाइटिंग, तो वो आप देखोगे इतनी प्रॉपर है भाई गाड़ी की। इसके अंदर हमने एम्बिएंट लाइटिंग इंस्टॉल करी है, वो आप चेकआउट जो है कर सकते हो। गाड़ी के साथ में 9 पीस की लगी है, नीचे की तरफ भी हमको देखने को मिलेगी, नीचे भी लगी है एंड पूरा अपने डैशबोर्ड एंड डोर्स वगैरह में होने वाली है। तो भाई ये जो है अपनी फ़ोन कंट्रोल होती है, गाड़ी का एक ऐप आता है उससे ये जो है पूरी फ़ोन से कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई इसके ऊपर हमने लगाई रूफ लाइटिंग, तो रूफ लाइटिंग आप चेक कर सकते हो भाई कितनी प्रॉपर तरीके से इसके अंदर हमको लुक देखने को मिल जाएगी। तो रूफ लाइटिंग से कार का जो इंटीरियर की लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्हांस हो गई है एंड कार काफ़ी बढ़िया लगती है। अगर आपको मैं यहाँ से इसका रिस्पॉन्स दिखाऊँ तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको मैं एक बार इसका रिस्पॉन्स दिखाता हूँ भाई लाइटिंग का। तो ये आप देख सकते हो भाई ये अपना हाई बीम हो गई, साथ में भाई ये अपना डिपर पास हो गया एंड फॉग का भी आपको मैं दिखाता हूँ, तो फॉग भी देख सकते हो भाई आप यहाँ पे इनेबल है। भाई लाइटिंग का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़बरदस्त इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। चलो भाई अब फटाफट स्प्लिटर की आपको मैं फिनिशिंग एक बार दिखाता हूँ एंड साथ ही में एक और बहुत बढ़िया चीज़ जो कि भैया ने इस कार के अंदर लगवा रखी, जो हमारे ओनर है एंड गाइस वो जो है उन्होंने यहाँ से नहीं लगवा रखी, लेकिन अगर आप चाहो तो वो चीज़ भी इंस्टॉल हो जाएगी, वो होता है हमारा एग्जॉस्ट। तो इस कार के अंदर भाई ब्रदर ने एग्जॉस्ट लगवा रखा है, आप देखोगे एक्रोपोविक का। तो ये एग्जॉस्ट का साउंड भी मैं सुनवाऊंगा अभी आगे, तब तक ले आप भाई वीडियो में बने रहे एंड जैसे ही काम कंप्लीट होता है मैं आपको एक बार ओनर से भी जो है मिलवाता हूँ। मैं आपको जो इसकी एग्जॉस्ट साउंड का चेक करवाता हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त इसके अंदर हमको देखने को मिल जाएगी, चाहे अभी डीजल कार है लेकिन कार के साउंड काफ़ी अच्छी मिलेगी। बाकी अगर पेट्रोल में आप एग्जॉस्ट को लगवाते हो तो जो है साउंड और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। बाकी जो है भाई भैया ने इसके अंदर पहले ही हमसे भी गाइस ऑडियो का काम भी करवाया था, तो इसके अंदर हमारा भाई सबवूफर लगा हुआ है प्लस हमारे कंपोनेंट्स इसके अंदर हमने इंस्टॉल करोगे, फ्रंट एंड रियर दोनों कंपोनेंट्स के सेट है। बाकी गाइस यही था हमारी आज की वीडियो में, मिलते हैं सबसे नेक्स्ट। सो गाइस अभी जो मैं आपको इसके हमारी DRLs है जो कि DMNI वाली है उसका मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। सो भाई अभी मोबाइल में ऐप जो इंस्टॉल कर लिया है ना, इस पर देखो कि काफ़ी सारे कलर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो सिंपली भाई आपको जो इससे आपकी जो है DMNI का कलर जो है इजीली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आपको भाई मैं दूर से भी ये दिखाता हूँ कि भाई मैचिंग तो रेड लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है एंड वो लाइट एकदम रेड ही बढ़िया लग रही है, लेकिन आपको मैं जो है दूसरे कलर भी करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पर चेकआउट जो है कर सकते हो। भाई अभी जो मैं आपको अच्छे से जो है रिस्पॉन्स करवा दूँ लाइटिंग का, तो अगर आप देखोगे भाई ये रिस्पॉन्स सिर्फ हमारे प्रोजेक्टर्स अभी इसके अंदर ऑन हो रखे एंड अगर आप देखोगे सिर्फ प्रोजेक्टर्स का रिस्पॉन्स तो भाई वो भी मोर देन सफिशिएंट आ रहा है। ये सिर्फ भाई आपका प्रोजेक्टर का थ्रू है जो कि आपको इतनी अच्छी लाइटिंग जो है वो प्रोवाइड कर देगा। एंड भाई अभी जो है लो बीम इनेबल करिए, सो लो बीम देखोगे HID धीरे धीरे यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो अभी देखोगे भाई ये है अपनी HID जो कि यहाँ पर स्लो स्लो स्टार्ट हो रही है एंड HID जब आप ऑफ करके तो DMNI आपके यहाँ पर विजिबल होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अभी आप देख सकते हो भाई थ्रो यहाँ पे लाइटिंग का, एंड अगर मैं एक बार हाई बीम करता हूँ तो आप देख सकते हो भाई ये जो थ्रो ये होने वाला है अपनी हाई बीम का। सो गाइस आपने जो हमारी आज की वीडियो को सारी मॉडिफिकेशन देख ली होंगी, सारा कुछ काम जो भी कार के अंदर इंस्टॉल करा है वो सब वो है प्रो कस्टम कार पे, चाहे आपके पास भरना हो चाहे कोई भी कार हो, आपकी जो है कस्टम हेडलाइट जो है यहाँ पे रेडी हो जाएंगी एंड LEDs भी है एंड जो प्रोजेक्टर है काफ़ी सब काफ़ी अच्छे रेट पर जो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं यार सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर टुडेज़ वीडियो एंड गाइस होप तो आपको हमारी आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए, साथ में इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड कमेंट से बताना भाई आपको हमारी आज की वरना की मॉडिफिकेशन जो है कैसी लगी।